वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई 2024, और 25 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? और एनटीपीसी लिमिटेड ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगी, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको मेरी करंट अफेयर्स की 7:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। देखिए, हाल में किसने एयर ब्रीदिंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी के लिए प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? तो इसरो ने किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? तो यह है असम राज्य के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा? अभिनव बिंद्रा। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई? तो ये बनाई है चीन देश ने। एयरबेस अपना कब तक पहला अपना मेड इन इंडिया H-125 विमान लॉन्च करेगा? तो 2026 तक। 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? सऊदी अरब को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कौन सी वर्षगांठ बनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई तक है शिक्षा सप्ताह बनाया गया? तो यह है चौथी वर्षगांठ। और किस राज्य ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया? तो ये मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज, हमने कर लिया। टेस्ट आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है, जो अपनी ऐप के अंदर वार्षिक करंट की जो टेस्टरी चल रही है, इसके अंदर डेली आपको लाइव क्लास का टेस्ट शाम को मिल जाता है, वीकली का टेस्ट आपको मिल गया, और मंथली टेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। तो ये वार्षिक करंट 1 साल की वैलिडिटी है, बढ़िया तरीके से आप ये टेस्टरी जो इन्हें कर सकते हो। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की ये भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट L1, रीट L2, PTI, CTET एग्जाम सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। और जितनी भी अभी और टेस्ट सीरीज है, उन सभी पर 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। अभी आज भी आपके लिए 50% का ऑफ रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज 25 जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा ही गजब का है, और एक नवीनतम रैंकिंग आ चुकी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? पिछली बार अगर अपने बात करें तो भारत का जो पासपोर्ट के अंदर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर है, भारत था 85वें स्थान पर। अब भारत की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है, पिछली बार 85वें स्थान पर था, लेकिन अब की बार भारत आ चुका है 82वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी, पहले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट कौन से स्थान पर आ गया? 82वें स्थान पर है। सबसे मजबूत, सबसे टॉप पर पूछे तो वो है सिंगापुर का। किस देश का है? सिंगापुर देश का सबसे मजबूत पासपोर्ट है बन गया है। तो ये याद रखना, भारत कौन से स्थान पर है? 82वें स्थान पर। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अब पासपोर्ट रैंकिंग की लिस्ट में भारत ने भी बढ़ोतरी की है। तो सिंगापुर का पासपोर्ट है वो दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। पहले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट 82वें स्थान पर है। इसके अंदर भारतीयों को 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। दूसरे स्थान पर जापान के साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन है, जहां के पासपोर्ट से 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? जापान है। जापान के साथ फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन भी है। इसके अलावा अपना जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी ग्लोबल रैंकिंग की लिस्ट के अंदर 100वें स्थान पर है माना गया। तो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो 100वें स्थान पर है, और भारत आ गया 82वें स्थान पर है। सबसे टॉप पर कौन सा है? सिंगापुर देश। ये याद रखना, हो सकता है एग्जाम के अंदर मिलेगा देखने को आपको। हाल में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में
गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रिगोबर्टा मेंचू को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया? रिगोबर्टा मेंचू है, इनको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है रिगोबर्टा मेंचू है जिनको गांधी मंडेला पुरस्कार है मिला। तो प्रसिद्ध ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं और ग्वाटेमाला मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं रिगोबर्टा मेंचू, तुमको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। गांधी मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई 2024 को नेशनल मंडेला की 106वीं जयंती के अवसर पर है रिगोबर्टा मेंचू, तुमको ये प्रदान है किया जा चुका। तो नेशनल मंडेला की 18 जुलाई को 106वीं जयंती बनाएगी, वहीं पर इनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। यह सम्मान स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने और शांति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उनकी आजीवन प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। तो बड़ा गजब का है, इसको भी याद रखना। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारतीय नौसेना ने किस राज्य में एक नया जंगी जहाज है INS त्रिपुट और ये लॉन्च करने की घोषणा की है गोवा राज्य के अंदर। कहाँ पर है? गोवा राज्य के अंदर। कल 24 जुलाई को इसकी घोषणा हो चुकी है गोवा के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, एक नया INS जहाज आ गया जिसका नाम है त्रिपुट। नाम याद रखना, क्या नाम है? त्रिपुट। देखो मुख्य तथ्य, 24 जुलाई को भारतीय नौसेना ने गोवा के अंदर नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की। यह तलवार क्लास फ्रिगेट का ये नोवा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण कार्य 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। देखो इसका निर्माण ना 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ, अब इसको लॉन्च किया गया। इस जहाज का जो समुद्र में डिस्प्लेसमेंट है वो है 3850 टन है और ये INS त्रिपुट है वो 18 अधिकारियों और 180 सैनिकों के साथ 30 दिन तक समुद्र में रह सकता है और इसके अंदर 24 स्टेल्थ 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें भी तैनात है। तो मिसाइलें भी तैनात है, 30 दिन तक ये समुद्र में रह सकता है। तो गोवा के अंदर ये एक INS त्रिपुट भी लॉन्च किया गया। तो कब है? 24 जुलाई को। हाल ही में कौन से खिलाड़ी प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? हाल ही में कौन से खिलाड़ी प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो ये तीन आप तस्वीर में आप देख सकते हो, ये तीनों के तीनों सानिया मिर्जा है बीच में और इसके अलावा MC मेरी कॉम है और ये है रणविजय सिन्हा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो इन तीनों, अब ये तीनों के तीनों प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूरे विश्व नंबर 1 है सानिया मिर्जा। 6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है MC मेरी कॉम और अभिनेता है रणविजय सिन्हा। ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स के अंदर शामिल हो चुके हैं। 2036 ओलंपिक 12 साल बाद ये आयोजित किए जाते हैं। जो प्ले स्पोर्ट्स गेम्स है ना, ये 2036 यानी कि 12 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य है कि भारत में एक सतत खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण है करना है। तो ये तीन खिलाड़ियों को, तीन व्यक्तियों को भी प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं। NTPC लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगी? NTPC लिमिटेड है किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगी? तो वो करेगी हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर करेगी? हरियाणा के अंदर NTPC है वो ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित है करेगी। हरियाणा का एक शहर है कौन सा? फरीदाबाद। कौन सा शहर है? फरीदाबाद। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ। इसके अंदर गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ समझौते में कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ये जो कचरे वगैरह होते हैं ना, उनसे क्या है, एक ग्रीन चारकोल बनाने वाला एक संयंत्र की स्थापना होगी और ये प्लांट भारत के अंदर सबसे बड़ा होगा जहां प्रतिदिन 1500 टन कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। कि भारत के अंदर ये सबसे बड़ा प्लांट होगा जिससे क्या होगा, 1500 टन कचरे से चारकोल संयंत्र बनाया जाएगा।
हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वो बन चुकी है सुप्रीता सीटी, ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली है सुप्रीता सीटी, और ये अब सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला ये अधिकारी बन चुकी है। इससे पहले शिवा चौहान का आपने नाम सुना होगा, सियाचिन के अंदर वो सबसे पहले तैनात हुई थी, शिवा चौहान है, और उसके बाद में अब ये आर्मी एयर डिफेंस के अंदर है पहली महिला ये बन गई, सुप्रीता सीटी बन चुकी है। तो बड़ा गजब का है, शिवा चौहान वाला क्वेश्चन आ चुका है, अब ये भी एग्जाम के अंदर आएगा, इसको याद रखना अच्छी तरह से। भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक क्षण में कैप्टन है सुप्रीता सीटी ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। कैप्टन सुप्रीता सीटी है वो कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 2021 में प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2021 में प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार है देश का कुल वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वो है 21.71%। ऑप्शन नंबर बी कितना है? 21.71%। तो मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण FRSI देहरादून हर 2 साल में वन क्षेत्र का आकलन करता है। 2021 में प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, तो देश का भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.71% है वन क्षेत्र है। 2019 से 2021 के दौरान वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और 19 और 21 के दौरान वृक्ष आवरण में कोई कमी नहीं आई है, यानी कि इसके अंदर वृद्धि हुई है, कोई कमी नहीं आई। भारत के अंदर वन आवरण के टॉप राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम। सबसे टॉप आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरा स्थान है असम है, तो भारत की ये वन आवरण के अंदर टॉप राज्य है। हाल ही में महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन चुकी है? महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन चुकी है, कौन है? हरमनप्रीत कौर। इससे पहले थी स्मृति मंदाना, कौन थी? सबसे ज्यादा T20 में किसके थे? स्मृति मंदाना के, लेकिन स्मृति मंदाना को इसने पीछे छोड़कर है अब हरमनप्रीत कौर है वो सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। देखो मुख्य तथ्य, हरमनप्रीत कौर अब स्मृति मंदाना को पछाड़कर भारत की ओर से महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है। यह उपलब्धि 21 जुलाई को दांबूला में UAE के खिलाफ भारत के खेल महिला एशिया कप T20 मैच के दौरान उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। तो इससे पहले स्मृति मंदाना सबसे टॉप पर थी, अब हरमनप्रीत कौर सबसे टॉप पर है चलेगी। हाल में भारतीय रेसर कुश मेनी ने अपने कैरियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहाँ हासिल की है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है भारतीय रेसर जिनका नाम है कुश मेनी, क्या नाम है? कुश मेनी, और अपने कैरियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि इन्होंने हासिल की है हंगरी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर की है? हंगरी के अंदर हासिल है ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुश मेनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फॉर्मूला 2 जीत हासिल की जब मूल स्प्रिंट रेस विजेता रिचर्ड वर्सूस को तकनीकी उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह जीत मेनी के लिए इस सीजन का ये 5वां पोडियम है जिसमें वह चैंपियनशिप स्टैंडिंग में अपने 8वें स्थान पर यह पहुंच गए, और ये डेनिस होगर से सिर्फ 3 अंक पीछे हैं। तो याद रखना बस आपको इतना ही कि भारतीय खिलाड़ी हैं कुश मेनी जिन्होंने हंगरी के अंदर अपना पहला फॉर्मूला F2 जीत हासिल की है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह आता है जो मैं आपको यस्टरडे रिविजन करवाता हूँ
उनका एक उसमें आपको वन लाइनर जो पोस्टर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ वो पोस्टर आपको टेलीग्राम पर है मिल जाता है, ताकि वहां पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना बढ़िया तरीके से। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है, तो वो बन चुका है मध्य प्रदेश। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अंदर पहला मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा था, असम राज्य। अब देखो क्वेश्चन पूरी हो, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह है, पीआर श्रीजेश, कृष्ण बहादुर पाठक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास बढ़िया तरीके से। इसके अलावा ऐप के अंदर आपको एलडीसी वगैरह सीटी की स्पेशल करंट की टेस्ट भी चल रही है, सभी पर 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, मात्र 50 रुपए के अंदर, 1 साल की वैलिडिटी है, ये आप ले सकते हो। इंडियन पॉलिटी की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, और शिक्षा मनोविज्ञान मैंने बता ही दिया, एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस है, सभी के टेस्ट सीरीज आपको लगातार है दी जा रही है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।